ओके हेलो एंड वेलकम टू मांगलिक्स इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी मेरठ। और मैं हूँ एसपी मांगलिक और हम लोग बात कर रहे हैं एपिजेनेटिक्स के बारे में। पहले पार्ट में कुछ बातें हुई थी, कोशिश मैंने सोचा ये था कि मैं उसको पूरे एपिजेनेटिक्स को 15-20 मिनट में समराइज़ करने की कोशिश करूँ, लेकिन मेरे को लग रहा है कि इस पर मैं जितना कम बोल रहा हूँ उसके हिसाब से भी एक डेढ़ घंटे में जाएगा, इसलिए दूसरा पार्ट है एपिजेनेटिक्स का। हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके थे, हम लोग देख रहे थे कि एक इंसान के बिहेवियर को, एक इंसान की फिजियोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, हर किसी भी चीज़ को कंट्रोल केवल जेनेटिक्स नहीं करता है, उसके लिए और भी बहुत सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती हैं, जैसे कि उसकी डाइट है, उसका सोशल इंट्रैक्शन है, उसकी स्मोकिंग की आदत है, उसको कोई ड्रग्स तो नहीं ले रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, माइक्रोबायोम उसका कैसा है, एनवायरमेंटल कंडीशंस कैसी हैं, फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है, और भी कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं कि घर में उसके साथ में एक बच्चे के साथ में घर में बहुत प्यार से बिहेव किया जा रहा है, उसको बड़े अच्छे से रखा जा रहा है, दूसरे बेटे को कोई पूछ भी नहीं रहा है, उसको उसके साथ में कोई रूड बिहेवियर होता है तो उससे भी उसका बिहेवियर चेंज होते हैं, जबकि दोनों एक ही फैमिली के मेंबर है दोनों में, ऑलमोस्ट उनका 50% तो एक्चुअली सिमिलैरिटी होती ही है। तो अभी मैं इनमें से कुछ चीज़ों के बारे में बात करूँगा कि कैसे डाइट कंट्रोल कर सकती है, कैसे माइक्रोबायम कंट्रोल कर सकते हैं और कैसे एपिजेनेटिक बॉडी कंट्रोल्स होते हैं। ठीक है, पिछली वीडियो के हिसाब से थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है आपको आइडिया लगा होगा, तो मैं अभी पहले बात कर लगाऊँ माइक्रोबायोम की। मैं सब के बारे में नहीं बताऊँगा, एपिजेनेटिक्स बहुत ब्रॉड एरिया है, आप खुद इसको एक्सप्लोर करेंगे आपको बड़ा मज़ा आएगा, एक ऐसा टॉपिक जिसको मैं जितना पढ़ूँ उतना ही मुझे कम लगता है। माइक्रोबायोम, ठीक है, माइक्रोबायोम क्या है, माइक्रोबायोटा क्या है, जो हमारी ह्यूमन बीइंग की गट है, हम कह सकते हैं कि जैसे इंटेस्टाइन है हमारी, हम लोग, मैं इसको ऐसे बना देता हूँ, इसको कभी कभी ये हमारी एक मान लीजिए इंटेस्टाइन है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन है, कुछ इस टाइप के मैं बना रहा हूँ, बड़ा रफ सा, बड़ा गंदा सा डायग्राम है। तो हमारी गट में, या हम कहें हमारे मुंह से लेके और हमारे पूरी गट में इंटेस्टाइन तक में बैक्टीरियाज रहते हैं, बहुत सारे माइक्रोब्स रहते हैं, सबको पता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बात अल्टीमेटली एक्चुअली क्या है कि ये माइक्रोबायोम, ये माइक्रोबायोटा भी हमारे बिहेवियर को, हमारी फिजियोलॉजी को इन्फ्लुएंस करते हैं। बहुत अच्छे फैक्ट्स हैं मैं आपको बताऊँ तो, अगर ये एक ह्यूमन बीइंग है, अगर ये एक इंसान है, इस इंसान की पूरी बॉडी में जितनी इसकी खुद की सेल हैं, मान लीजिए इसके पास में एक्स नंबर ऑफ सेल्स हैं, वो एक्स नंबर ऑफ सेल्स मिलियंस ऑफ सेल, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हो सकती हैं, कोई अनंत टाइप की गिनती है, एक्स नंबर ऑफ सेल्स हैं इस इंसान में, तो इस इंसान के अंदर इससे 10 times ज़्यादा, यानी कि इससे 10 गुना ज़्यादा माइक्रोबियल सेल्स हैं, यानी कि अगर एक इंसान के पास में सपोज़ कर लो 10 करोड़ या 1 करोड़ सेल्स अपनी हैं, हेयर की, स्किन की, कार्डियक, हार्ट, लीवर, किसी की भी, तो उससे 10 गुना ज़्यादा सेल्स प्रेजेंट हैं माइक्रोब्स की, यानी कि हम इंसान अपनी सेल्स से 10 गुना ज़्यादा दूसरों के सेल्स लिए घूम रहे हैं, दूसरी सेल्स मतलब माइक्रोब्स लिए घूम रहे हैं, बैक्टीरियाज टाइप, डिफरेंट टाइप्स के माइक्रोब्स। दूसरा बड़ा इम्पॉर्टेंट कि हमारी एक इंसान की बॉडी के अंदर जितना जेनेटिक मटीरियल हमारा है वो तो केवल 10% है, यानी कि अगर मैं इस पूरे इंसान की बॉडी में से डीएनए देखूं, जिसमें माइक्रोब्स भी हैं 10 गुना, तो इस इंसान में केवल 10% इसका जीनोम है, बाकी का 90% जीनोम तो इसको माइक्रोब से मिल रहा है, यानी कि हम जो कह रहे हैं ना हमारी बॉडी के अंदर 46 क्रोमोसोम, वो केवल हमारी बॉडी की, हमारी सेल्स के अंदर है, लेकिन जो हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप के माइक्रोब्स, डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरियाज रह रहे हैं, उनके अंदर जो जीनोम है वो तो हमारी बॉडी के अंदर ही है,
नेचर में, ये नेचर में ही शायद एक पेपर पब्लिश हुआ था जिसका टाइटल था आर अदर जीनोम, यानी कि हमारा दूसरा जीनोम, हमारा सेकंड जीनोम। यानी कि एक जीनोम तो वो है जो हमारी सेल्स के पास में, 46 क्रोमोसोम लाइक दिस, और दूसरा जीनोम जो हमारे जीनोम से भी ज़्यादा है। यानी कि अगर देखा जाए तो हम तो हमारे केवल 10% हैं, 90% तो हमारे अंदर दूसरे हैं। अगर हम जेनेटिक मटेरियल के बेसिस पर बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर हमारी सेल्स से 10 गुना ज़्यादा सेल्स माइक्रोब्स की हैं। हमारी बॉडी के अंदर केवल एक जीनोम नहीं है, हमारी बॉडी के अंदर हमारा जीनोम तो केवल 10% है, 90% जीनोम तो दूसरे बैक्टीरियाज का, और ये 90% जीनोम किसी एक बैक्टीरिया का नहीं है। ये 90% जीनोम हजारों टाइप के बैक्टीरियाज, हजारों टाइप के दूसरे माइक्रोब्स का है जो हमारी गट के अंदर रह रहे हैं, हमारे माउथ से लेके हमारे इंटेस्टाइन तक ये हैं। हमारे बार बार माइक गिरे जा रहा है, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंसेस। तो हमारा जीनोम तो केवल 10% है हमारे पास, बाकी तो 90% दूसरा है। और ऐसा हो नहीं सकता कि अगर हमारी बॉडी के अंदर दूसरे ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं जिनके पास, जिनका जीनोम हमारे से 10-9 हमारे से बहुत ज़्यादा है, वो हमें इन्फ्लुएंस ना करे, राइट? तो ये जो माइक्रोबायोम है ये क्या है कि ये डिफरेंट टाइप्स के माइक्रोब्स हैं, बैक्टीरियाज हैं जो हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं और मोस्टली हार्मफुल नहीं होते हैं। मोस्टली हम हार्मफुल नहीं होते, हम इन्हें न्यूट्रिशन देते हैं, रहने के लिए जगह देते हैं, उसके बदले में हमारी हेल्प ही करते हैं, हमारे लिए कोई नुकसान नहीं पहुँचाते हैं, ठीक? अब सोच के देखिए, मान लीजिए अगर ये बैक्टीरिया है कोई हमारी बॉडी के अंदर रह रहा है, गट के अंदर रहने वाला बैक्टीरिया है, तो इसके पास में अपना डीएनए भी होगा, इसके पास में अपना डीएनए होगा तो ये अपने प्रोटीन्स भी बनाएगा जिनको एक्सप्रेस कर रहा होगा, और ये प्रोटीन्स अलग अलग काम कर रहे होंगे, और ये बहुत सारे केमिकल्स ऐसे होगा जो ये बाहर भी सिक्रेट कर रहा होगा, और इसका जो आउटर इन्वायरमेंट है वो एक्चुअल में क्या है, हमारी गट है। यानी कि बहुत सारे माइक्रोब्स हैं जो बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें बना बना के बाहर सिक्रेट कर रहे होंगे, उनके हिसाब से अपने आउटर इन्वायरमेंट में सिक्रेट कर रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअल में आउटर इन्वायरमेंट क्या है, हमारी बॉडी। तो जो ये केमिकल, जो ये प्रोटीन, जो ये कंपाउंड सिक्रेट कर रहे हैं वो एक्चुअल में हमारी बॉडी सेल्स के पास भी तो पहुंच रहे होंगे, और हमारी बॉडी सेल्स उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स भी ज़रूर दे रही होगी। अब ऐसा तो हो नहीं सकता है कि इतने सारे डिफरेंट टाइप के माइक्रोब्स हमारी बॉडी के अंदर रह रहे हैं, वो अपने आप को सर्वाइव भी कर रहे हैं, वो बाहर चीज़ें सिक्रीट भी कर रहे हैं, और उसकी वजह से हमारी बॉडी के ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े, ऐसा पॉसिबल नहीं, क्योंकि इंट्रैक्शन होगा तो उनके बेसिस पे हमारा बिहेवियर भी चेंज होगा, राइट? दूसरी चीज़ कि माइक्रोबायोटा थ्रू आउट द लाइफ सेम नहीं रहता, अलग अलग इंसानों में अलग अलग माइक्रोबायोम होता है, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्पीसीज हर इंसान के अंदर रहती हैं। सेम ऐसा माइक्रोबायोटा कोई ऐसा स्पेसिफिक चीज़ नहीं है जो हर सबके अंदर सेम है, ये केवल एक माइक्रोब्स के का एक कॉलोनी है, माइक्रोब्स का एक नंबर है जो अलग अलग लोगों में अलग अलग हो सकता है। मेरे अंदर कोई स्पीसीज ए रह सकती है, दूसरे के अंदर स्पीसीज बी रह सकती है, तीसरे के अंदर स्पीसीज सी रह सकती है, वो डिपेंड करता है ह्यूमन टू ह्यूमन, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, और इवन एक ही इंसान के अंदर थ्रू आउट द लाइफ माइक्रोबायोम चेंज होता रहता है, डिपेंड इस बात पे करता है कि हम डाइट कैसी लेते हैं। इस इंसान के अंदर माइक्रोबायोम में मान लीजिए इस ये दो टाइप के बैक्टीरिया रह रहे हैं, सपोज इसकी गट के अंदर। अब इसने क्या किया, इसने खाना स्टार्ट किया जंक फूड। अब ये जंक फूड हो सकता है इनकी ग्रोथ को सपोर्ट ना करे, लेकिन दूसरे लोगों की ग्रोथ को सपोर्ट तो कर ही सकता है, तो हो सकता है कि इस जंक फूड की वजह से इसका माइक्रोबायोम चेंज हुआ और अब इसका माइक्रोबायोम कुछ इस तरीके का हो गया। अब आगे जाके इसने कुछ डाइट में फिर चेंज हुए, इसका माइक्रोबायोम फिर चेंज होगा। अगर कोई इंसान एंटीबायोटिक पे है, अगर यानी कर कोई बीमार हुआ उसने एंटीबायोटिक खा लिए, तो एंटीबायोटिक खा पे जो इंसान होगा उसके अंदर उसका माइक्रोबायोम बहुत सारा लॉस हो गया, क्योंकि बहुत सारे बैक्टीरियाज रहते हैं हमारी गट के अंदर माइक्रोबायोम में, और अगर हम एंटीबायोटिक खाते हैं तो वो एंटीबायोटिक उन बैक्टीरियाज को भी किल करेंगे और हमारा माइक्रोबायोम भी ख़त्म होगा, ठीक, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारी थ्रू आउट द लाइफ टाइम के साथ हमारा माइक्रोबायोम भी चेंज होता जाता है,
अब बात आती है कि हमारी बॉडी के अंदर, ये गट के अंदर बैक्टीरियाज आते कहाँ से हैं। इंपॉर्टेंट बात तो ये है ना कि इस गट के अंदर यहाँ पे बैक्टीरिया पहुँचे कैसे, तो पहुँचते कैसे हैं। ह्यूमन बींग के अंदर थ्रू आउट द लाइफ माइक्रोबायोम रहेगा, बैक्टीरियाज रहेंगे, गट माइक्रोबायोटा रहता है, केवल जब तक बेबी वूम में रहेगा, जब तक बेबी का बर्थ नहीं होगा, जब तक अपनी मदर के यूट्रस के अंदर है तब तक उसके अंदर माइक्रोबायोटा जैसा कुछ नहीं होता, क्योंकि वो आउटर एनवायरनमेंट से कम्प्लीटली प्रोटेक्टेड रहता है और उसको उस वक्त उसके कोई माइक्रोसोर्स का इंट्रैक्शन होता ही नहीं है। उसको कब, उसकी बॉडी के अंदर माइक्रोबायोम जाने का तरीका क्या है कि सपोज़ करो वो पैदा हुआ, अब उसके मुंह में कुछ चीज़ अगर जाएगी तो उसके साथ बैक्टीरियाज भी जाएंगे डिफरेंट टाइप के, जो अंदर जाके रह भी सकते हैं और ख़त्म भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है टाइम के अकॉर्डिंग। इवन ये तक देखा गया है कि अगर एक सिजेरियन डिलीवरी हो रही है और एक नॉर्मल डिलीवरी हो रही है, तो सिजेरियन से होने वाले बेबी में और नॉर्मल से होने वाले बेबी में डिफरेंट टाइप का माइक्रोबायोम हो सकता है। या इवन दो भाइयों के अंदर अगर कोई ट्विंस भी हैं, उनके अंदर भी माइक्रोबायोम चेंज हो सकता है। माइक्रोबायोम कहाँ से आ रहा है कि ब्रेस्ट फीडिंग हो रही है, मदर की ब्रेस्ट स्किन के ऊपर हो सकता है बहुत सारे माइक्रोब्स हों, जब वो मिल्क पीने के लिए सक करेगा तो हो सकता है उस मदर के स्किन से उसके मुंह के अंदर कुछ बैक्टीरियाज आएँ और वो अंदर उसके गट में मूव करें, जो हेल्पफुल होंगे या जो उस डाइट के अकॉर्डिंग उसको सपोर्ट करेंगे, वो वहाँ पर आराम से रह सकते हैं। अब उस बच्चे ने सपोज़ कि 6 महीने तक मदर मिल्क पिया, ब्रेस्ट फीड किया, उस वो ब्रेस्ट फीड या उस मदर मिल्क से कोई स्पेसिफिक टाइप का बैक्टीरिया बेनिफिट लेगा, या उस डिफरेंट टाइप का वो जो फूड है मदर मिल्क की फॉर्म में, वो किसी डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया को सपोर्ट कर रहा है। अब उस बच्चे की अगर डाइट चेंज होती है, शेरलैक वगैरह उसको पिलाया जा रहा है, तो वो अलग टाइप के माइक्रोब को चेंज सपोर्ट करेगा, अगर अलग टाइप के माइक्रोबायोम को सपोर्ट करेगा। वो आगे जाके जंक फूड खा रहा है तो वो अलग माइक्रोबायोम को चेंज सपोर्ट करेगा। उसने एंटीबायोटिक्स खाएं तो माइक्रोबायोम पूरा ही ख़त्म हो जाएगा, वापस से माइक्रोब उसके बॉडी के अंदर एंटर करेंगे थ्रू फूड और थ्रू स्किन एंड एवरी एनीथिंग। तो जब 90% मेन मुद्दा ये है कि जब हमारे बॉडी के अंदर हमसे 10 गुना ज़्यादा सेल्स दूसरी प्रेजेंट है, हमारा जीनोम, हमारे पास हमारा जीनोम केवल 10% है, बाकी हमारी बॉडी के अंदर 90% जीनोम तो दूसरा ही है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि हमारा ही जीनोम केवल हमें इन्फ्लुएंस करता हो। तो ये माइक्रोबायोम भी हमारे जीनोम को, हमारे हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करेगा, हमें इन्फ्लुएंस करेगा, हमारे फंक्शनिंग को इन्फ्लुएंस करेगा। और ह्यूमन बींग की स्टडी तो हो गई है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के थ्रू हमने पूरा डीएनए सीक्वेंस कर लिया, हमें बहुत कुछ हमारे जीनोम के बारे में पता है, लेकिन माइक्रोबायोम के बारे में बहुत कुछ नहीं पता, क्योंकि माइक्रोबायोम कोई एक सेल नहीं है, इसमें थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज रहती हैं। तो अगर हमें माइक्रोबायोम को स्टडी करना है तो हमें हर एक स्पीसीज़ को अलग 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 करना होगा, उनको आइडेंटिफाई करना होगा, उनकी स्टडी करनी होगी। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हर एक इंसान के अंदर माइक्रोबायोटा सेम नहीं है, तो हर एक इंसान के अंदर हमें अलग अलग स्टडी करनी होगी, इसलिए माइक्रोबायोम को स्टडी करना बहुत मुश्किल है, लेकिन इसका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। इसके बारे में आप अपने आप और ज़्यादा पढ़ सकते हैं, ये आपकी इंटरेस्ट के ऊपर है। तो माइक्रोबायोम के बारे में मैंने बता दिया, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी डाइट के बारे में, कि डाइट कैसे हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकता है। इसके ऊपर एक दो एक्सपेरिमेंट हुए हैं। तो डाइट या न्यूट्रिशन कैसे कंट्रोल करता है किसी के बिहेवियर को, तो उसका एक बड़ा अच्छा सा एग्जांपल है हनी बी का। हनी बी में हमने देखा है कि दो टाइप के बीज होती हैं, एक होती है हमारी क्वीन बी और एक होती है हमारी वर्कर बी। ठीक है, वर्कर भी क्या होती हैं, स्टेराइल होती हैं, ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती, क्वीन भी रिप्रोडक्शन कर सकती है। वर्कर भी पूरी लाइफ अपना क्वीन बी की हेल्प करती हैं। ये हम लोग सोशल इंटरेक्शन में भी इसको पढ़ते हैं, जब हम लोग इवोल्यूशन में जाते हैं, हम लोग पढ़ते हैं एल्टोइस्टिक बिहेवियर्स, तब भी हम ये बात पढ़ते हैं, पर वो इवोल्यूशन का पार्ट अलग है। तो बात ही अब मेन मुद्दा ये है मेन कि क्वीन बी हो चाहे वर्कर बी हो, उन दोनों के अंदर जेनेटिक मटेरियल आइडेंटिकल है, सेम है। ये जेनेटिक लेवल पे क्वीन भी हो चाहे वर्कर भी हो, ये सेम है। ये सब बहने 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 बहुत सारी बहनें पैदा हुई एक साथ, बहुत सारी बहनें एक साथ रह रही हैं नेस्ट के अंदर, नेस्ट नहीं कहते उसको, क्या बोलते हैं, कॉम्ब है ना
छत्ते के अंदर, मधुमक्खी का छत्ता। अब सारी बहनें हैं, अब उनमें कोई एक क्वीन भी बन जाएगी और बाकी जो उसकी सारी बहनें वो सारी क्या बन जाएंगी, वर्कर भी, यानी कि वो स्टराइल हो जाएंगी। तो क्वीन बी क्यों बनी, वो डिपेंड करता है न्यूट्रिशन के ऊपर। इन सारी बीज में से, फीमेल बीज में से, इन सारी बहनों में से जो भी क्वीन, जो भी बी, जो भी मधुमक्खी को रॉयल जेली पे फीड किया जाएगा, या जिस भी मधुमक्खी, जो भी मधुमक्खी को रॉयल जेली मिलेगी या जो फीड करेगी रॉयल जेली पे, वो उसके अंदर ओवरीज डेवलप हो जाएंगी, उसके एब्डोमन लार्ज हो जाएगा जिससे कि वो एग ले कर सके, और उसके अंदर एक क्वीन वाला एटीट्यूड भी आ जाएगा कि वो काम नहीं करेगी, अब उसकी सेवा करो सब लोग। तो जेनेटिक लेवल पे वर्कर भी क्वीन भी दोनों सिमिलर हैं, सारे के सारे भाई बहन हैं, बहन बहन हैं, लेकिन फिर भी क्वीन भी क्यों बनी, वो एक स्पेसिफिक, यानी कि अगर ये चार हैं, इन चार में से किसी एक को बनना है क्वीन भी, बाकी को वर्कर भी, तो किस बात पे डिपेंड करेगा कौन क्वीन भी बनेगी। कोई भी बन सकती है, सपोज करो कि इसको रॉयल जेली पे फीड करा दिया गया, इसने रॉयल जेली खाई, अब ये बन गई क्वीन और ये सारी बन गई वर्कर। अब इसमें ओवरी डेवलप हो जाएंगी, इसमें एब्डोमन लार्ज हो जाएगा, ये काम नहीं करेगी, इसको इसको क्वीन वाला एटीट्यूड आ जाएगा, और ये सारी की सारी क्या हो जाएंगी, दासी, वर्कर। अब इसकी हेल्प, अब ये अपनी क्वीन की सेवा करेंगी। तो यहाँ पर भी क्या है कि न्यूट्रिशन ने, डाइट ने एक जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स में से किसी एक को क्वीन बना दिया और बाकी सबको वर्कर। सही है। एक और बड़ा अच्छा सा एग्जांपल है, कोई एपिजेनेटिक्स पढ़ाएगा या एपिजेनेटिक्स के बारे में डिस्कस करेगा तो ये पॉसिबल नहीं है कि वो इस एक केस के बारे में बात ना करे। और वो केस क्या है, वो केस ये है कि हमारे पास दो माउस हैं, एक माउस ये है, मैं इसको बनाता हूँ ऐसे करके, कुछ इस तरीके से मैं माउस बनाता हूँ, सभी लोगों ने बचपन में सीखा होगा, मैंने भी सीखा है। एक ये माउस है, छोटा सा नन्ना सा माउस है ये। ये दोनों माउस अभी अलग अलग ही दिख रहे हैं, लेकिन इनके पास में, इनके साथ में क्या कंडीशन है कि ये जेनेटिकली आइडेंटिकल हैं। दीज आर जेनेटिकली आइडेंटिकल, यानी कि इस बड़े माउस में और इस छोटे माउस में कोई डिफरेंस जेनेटिक लेवल पे नहीं है, लेकिन मॉर्फोलॉजिकल लेवल पे डिफरेंट हैं। कैसे, एक क्या बोलते हैं, एक डिजीज़ होती है, इसको बोलते हैं अगोटी म्यूटेशन, अगोटी डिसीज़ जो माउस में होती है ना। अगोटी म्यूटेशन होगा, सपोज़ करिए, इसको मैं आगे बताऊंगा, सपोज़ करिए कि इस माउस में अगोटी म्यूटेशन हुआ है, तो अगोटी डिसीज़ होने पर क्या होगा कि साइज़ बड़ा हो जाएगा, और दिस माउस इज़ मोर प्रोन टू डायबिटीज़, राइट, ओबेसिटी। तो अगोटी म्यूटेशन है, लेकिन अगर इसको हम रिप्रोड्यूस कराएं तो इससे जो छोटे छोटे माउस और ऑफस्प्रिंग पैदा होंगी, उनके अंदर भी म्यूटेशन जाना चाहिए, अगर मदर के अंदर तो बच्चों के अंदर भी जाना चाहिए, लेकिन इसके जो बच्चे हुए वो क्या हुए, नॉर्मल। कब, अगर हमने इस फीमेल माउस को एक स्पेसिफिक डाइट पर रखा, अगर हम इस स्पेसिफिक फीमेल माउस को एक स्पेसिफिक डाइट पर रखेंगे, तो उस डाइट की वजह से इसका जो अगोटी म्यूटेशन है वो साइलेंट हो जाएगा। और उसके साइलेंट होने का मतलब क्या है कि अब जो उसके बेबीज हैं उनमें डिजीज डेवलप नहीं होगी। इस माउस में और इस माउस में दोनों में सेम डिजीज है, दोनों अगोटी म्यूटेंट है, जो जीन में म्यूटेशन यहाँ पे है वही जीन में म्यूटेशन यहाँ पे है, लेकिन दोनों एक नॉर्मल है और एक में इफेक्ट दिख रहा है। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये है कि हमने इस माउस को एक स्पेसिफिक डाइट पर रखा और उस डाइट की वजह से इस माउस में वो डिजीज़ का एक्सप्रेशन नहीं हुआ। यानी कि अगर हम लोग डाइट को चेंज कर दें तो हम जेनेटिक लेवल पे होने वाले म्यूटेशन के इफेक्ट को भी रोक सकते हैं।
सपोज़ कि हमने इस फीमेल माउस को हमने मिथाइल रिच डाइट दी। अब इस मिथाइल रिच डाइट की वजह से यह म्यूटेशन इसके बच्चों में ट्रांसफर, जीन तो ट्रांसफर हुआ लेकिन वो डिजीज इसके बच्चों में, इसने एक नॉर्मल माउस को प्रोड्यूस किया जिनके अंदर रगोटी डिजीज नहीं थी लेकिन म्यूटेशन था। इस माउस के अंदर भी म्यूटेशन है लेकिन बिकॉज ऑफ अ स्पेसिफिक डाइट इट इज़ नॉट शोइंग द इफेक्ट ऑफ दिस म्यूटेशन। तो अगर हम डाइट चेंज करें उसकी वजह से भी हमारा डीएनए लेवल पर इफेक्ट को हम रोक सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि अब एपिजेनेटिक का यूज़ हम लोग कर रहे हैं डिजीज़ को प्रिवेंट करने में, डिजीज़ को क्योर करने में। अगर किसी डीएनए में म्यूटेशन हो गया है और वो उसकी म्यूटेशन की वजह से कुछ प्रॉब्लम चल रही है किसी की बॉडी के अंदर, तो हम डायरेक्ट जीन थेरेपी पे ना जाके, हम लोग डायरेक्ट उसका जीन चेंज ना करके हम अगर हम एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन कर दें तो भी वो इंसान ठीक हो सकता है। और ये प्रैक्टिसेस हो रही हैं, एपिजेनेटिक ड्रग्स बहुत सारी बनी हैं जो डीएनए लेवल पर ना काम करके एपिजेनेटिक लेवल पर काम करते हैं, कंट्रोल करते हैं उसके एक्सप्रेशन को। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ डीएनए के लेवल पे। ये सब बातें तो हमने कर ली कि न्यूट्रिशन या डाइट या माइक्रोबायोम कैसे इफेक्ट करता है किसी भी चीज़ को। तो अब हम बात करते हैं थोड़ी सी डीएनए के लेवल पर आके कि एपिजेनेटिक चेंजेस कैसे आते हैं, एपिजेनेटिक कैसे कंट्रोल करता है डीएनए को। ठीक है, उससे पहले हम डीएनए की स्ट्रक्चर देखेंगे पहले थोड़ी सी। ये स्ट्रक्चर जब मैं क्लास में सीएसआरए के लिए पढ़ाता हूँ तब मैं डिटेल में पढ़ाता हूँ, यहाँ पे मैं आपको बहुत शॉर्ट में बताऊँगा। हमारा जो ये डीएनए है ये डबल हेलिक्स है, सबको पता है। ठीक है, 2 nm इसका डायामीटर है। लेकिन अगर कोई हमसे पूछे कि क्या हमारी सेल्स के अंदर जो डीएनए नॉर्मली प्रेजेंट रहता है वो क्या इस 2 nm के थ्रेड के फॉर्म में रहता है, तो आंसर आएगा नहीं, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर, हमारी सेल के अंदर जो डीएनए है वो 2 nm के थ्रेड के फॉर्म में नहीं है। क्योंकि डीएनए अगर सिर्फ एक 2 nm के थ्रेड के फॉर्म में लें तो इसकी जो लेंथ है बहुत लंबी हो जाएगी, यानी कि एक 2 meter का डीएनए हो जाएगा। और एक 2 meter के डीएनए को एक ह्यूमन खुद 2 meter का नहीं होता, उसकी सेल्स तो और भी छोटे माइक्रोस्कोपिक और उसके अंदर न्यूक्लियस तो और भी छोटा, और भी छोटी चीज़ है। तो इतने बड़े डीएनए को अगर हमें किसी न्यूक्लियस के अंदर पैक करना है तो हमें इसको कॉम्पैक्ट करना पड़ेगा। ठीक, तो ये डीएनए एक्चुअल में हमारी बॉडी के अंदर कैसे रहता है? तो ये डीएनए एक्चुअल में जो रहता है उसको हम बोलते हैं क्रोमेटिन। ये है डीएनए और ये है क्रोमेटिन। अब इस क्रोमेटिन में क्या है? इस क्रोमेटिन में 2 चीज़ें हैं, एक है प्रोटीन और एक है डीएनए। प्रोटीन कौन सी हैं? सबको पता है हिस्टोन प्रोटीन्स हैं। हिस्टोन प्रोटीन का एक्चुअली कॉम्प्लेक्स है। तो एक्चुअल में होता क्या है कि हमारे पास में 8 proteins होती हैं, मैंने 4 दिखाई हैं, 4 मान लीजिए इसके पीछे हैं। एक 8 proteins का एक कॉम्प्लेक्स है हिस्टोन का, जिसको हम बोलते हैं, अगर मैं लिख दूं यहाँ पे H2A, H2B, H3 एंड H4, ये एक और ऐसी कॉम्प्लेक्स मिलके एक फिस्ट टाइप की स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसके चारों तरफ क्या होगा, डीएनए रैप रहेगा। तो ये है अपना हिस्टोन प्रोटीन का एक कॉम्प्लेक्स जिसमें 8 sub units हैं, और इसके चारों तरफ क्या होगा, इसके चारों तरफ जो हमारा डीएनए है वो कुछ इस तरीके से रैप रहेगा। ठीक, यानी कि अगर मैं बोलूं कि ये हिस्टोन है जो नॉर्मली स्ट्रक्चर दिखाई जाती है, तो इसके चारों तरफ डीएनए इस तरीके से कॉइल करके रहेगा। यानी कि अगर मैं बोलूं कि ये हिस्टोन है तो डीएनए इसके चारों तरफ इस तरीके से फोल्ड करके रहेगा। क्वेश्चन इसके ऊपर आता है कि
कितना डीएनए फोल्ड होता है, यानी कितने, अगर प्रोटीन के चारों तरफ कितने राउंड डीएनए कंप्लीट करता है, तो हम बोलते हैं 1.67, यानी कि दो बार कंप्लीटली राउंड नहीं करता है, कॉइल नहीं करता है, एक बार पूरा डीएनए कंप्लीट करेगा 360 का टर्न, उसके बाद में मोर देन 50% वो राउंड होगा, फिर बाहर निकल जाएगा। उसके बाद में क्या होगा कि ये डीएनए आगे किसी दूसरे स्टोन कॉम्प्लेक्स के साथ में फिर कॉइल कर लेगा, और इस तरीके से पूरा डीएनए एक्चुअल में इस तरीके से रहेगा, जिसमें यहाँ पे क्या होगी हिस्टोन्स, हिस्टोन प्रोटीन्स, हिस्टोन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं बीड्स ऑन द स्ट्रिंग स्ट्रक्चर, यही क्रोमेटिन है, बीड्स ऑन स्ट्रिंग, यानी कि एक बड़ी सी रस्सी के ऊपर छोटे 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 मोती लगे हुए हैं बीच बीच में, तो एक बड़ी सी लंबी रस्सी है उसके बीच में छोटे 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 मोती लगे हुए हैं, इसको हम बोलते हैं बीड्स ऑन स्ट्रिंग, और यही है क्या क्रोमेटिन। और ये एक स्ट्रक्चर यानी कि ये हिस्टोन, और इसके चारों तरफ 1.67 राउंड लिया हुआ डीएनए, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। तो जो डीएनए हमारा है वो हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ कॉइल करके रहता है, और इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। और ये बहुत सारे न्यूक्लियोसोम, एक न्यूक्लियोसोम, दूसरा न्यूक्लियोसोम, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, ऐसे ही न्यूक्लियोसोम, ऐसे ही बहुत सारे न्यूक्लियोसोम होंगे, और इसको हम बोलेंगे बीड्स ऑन द स्ट्रिंग। ये डीएनए है, फिर इसने कॉइल किया स्टोन के ऊपर, फिर ये डीएनए फ्री, फिर इसने राउंड किया, कॉइल किया स्टोन के ऊपर, फिर तो ये बीच का डीएनए है, दो दो स्टोन के, दो न्यूक्लियोसोम के बीच का, उसको बोलते हैं लिंकर डीएनए, ठीक है। और ये क्या है न्यूक्लियोसोम, इंपॉर्टेंट ये रहता है जेआरएफ के, जेआरएफ में जब सीएसआर में पढ़ाता हूँ सीएसआर के लिए, तो उसमें हम क्या देखते हैं कि ये 2 nm का डीएनए कॉम्पैक्ट होते होते पूरा क्रोमोसोम कैसे बनता है, क्योंकि अभी भी डीएनए इस फॉर्म में नहीं, डीएनए और कॉम्पैक्ट होता है क्रोमेटिन से, फिर 2 nm से 11 nm बनेगा, 11 nm से 30 nm बनेगा, 30 nm से 300 nm बनेगा, उससे फिर 700 nm बनेगा, उससे फिर 1400 nm। तो ये सारा 2 nm से या इस डीएनए थ्रेड से पूरा क्रोमोसोम कैसे बनता है कॉम्पैक्ट होते 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 होते, वो सीएसआर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, यहाँ पे वो हमारा मुद्दा नहीं है। ये पॉइंट मैंने बता दिया है कि कितना कॉइल करता है, इसके ऊपर शायद इस बार क्वेश्चन आया है, जून 19 में आया था या दिसंबर 19 में आया था, लेकिन आया था। हिस्टोन कॉम्प्लेक्स भी तभी पढ़ते हैं हम लोग, तो यहाँ पर उसकी बात नहीं कर रहे। मेन मुद्दा ये है कि जो हमारा डीएनए प्रेजेंट है वो एक्चुअल में हिस्टोन्स के चारों ओर कॉइल्ड होके प्रेजेंट है, ठीक है। तो जब हमारा एक 2 मीटर का डीएनए एक छोटे से सेल के एक छोटे से न्यूक्लियस के अंदर पैक होगा, और एक नहीं ऐसे 46 क्रोम डीएनए पैक होंगे, तो ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो जाएंगे। एक एक इतना बड़ा सा डीएनए अल्टीमेटली इतना सा रह जाएगा, कॉम्पैक्ट हो के, फोल्ड हो के, फोल्ड हो के। तो क्या होगा, पहले ये डीएनए रैप होगा कुछ प्रोटीन्स के ऊपर, फिर ये जो न्यूक्लियोसोम्स हैं ये जो ये एक दूसरे के ऊपर रैप होंगे, फिर और ज़्यादा कॉम्पैक्ट होंगे, तो होगा क्या कि अल्टीमेटली बहुत सारे डीएनए के रीजन्स ऐसे हो जाएंगे जो हाइड हो जाएंगे उस कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर के अंदर। और अगर वो उस कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर के अंदर हाइड हो गए, तो इसका मतलब ये है कि अब उन रीजंस को एक्सेस कर पाना किसी भी प्रोटीन के लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा अगर वो हाइड हो गए हैं तो, ठीक है। अब उनको एक्सेस करना है तो फिर डीएनए पे कुछ चेंजेस किए जाते हैं या स्टोन्स पे कुछ चेंजेस किए जाते हैं। तो ये हमारा एक्चुअल में ये डीएनए है, ठीक है। अब होता क्या है, एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशंस होते हैं, जो हमने बात की थी कि ऐसा क्यों है कि लिवर के अंदर अलग अलग जीन्स एक्टिवेट होते हैं, या फिर इंसुलिन का जीन केवल पैनक्रियास के अंदर ही क्यों एक्टिवेट है, बाकी सब में इनएक्टिवेट कैसे हो गया, काम क्यों नहीं कर रहा है, म्यूटेशन जब हुआ नहीं है। तो जो एपिजेनेटिक उसको कंट्रोल कर रहा है, वो एपिजेनेटिक कंट्रोल क्या है, वो एपिजेनेटिक कंट्रोल एक्चुअल में एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशंस है। क्या है एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशंस, और वो मॉडिफिकेशंस दो टाइप के हैं, या तो मॉडिफिकेशंस डीएनए के ऊपर होंगे, या मॉडिफिकेशन हिस्टोन के ऊपर होंगे। यानी कि अगर हमें किसी भी जीन के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करना है, तो हम दो चीज़ें कर सकते हैं, या तो हम इस हिस्टोन के ऊपर कुछ करें
मॉडिफिकेशन, या हम इस डीएनए के ऊपर कुछ मॉडिफिकेशंस करें, ठीक है, और इनको हम बोलते हैं एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशंस। सीएसआईआर में जब पढ़ाते हैं तो उसके हिसाब से पढ़ाते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर वो सब चीज़ें नहीं बताऊँगा जो वहाँ बताता हूँ, एक ब्रीफ में, शॉर्ट में सब चीज़ें मैं ख़त्म करूँगा। जो डीएनए पे जो मॉडिफिकेशन उसको होता है उसको हम बोलते हैं मिथाइलेशन। सबने पढ़ा है डीएनए मिथाइलेशन, इसके ऊपर बहुत लंबी बातें हम लोग कर सकते हैं, और मुझे लग रहा है ये वीडियो भी बहुत लंबा गया, 30 मिनट का हो गया। चलिए इस मॉडिफिकेशन को मैं यहीं पे ख़त्म करके फिर आगे नेक्स्ट पार्ट में मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। डीएनए के ऊपर मिथाइलेशन कर सकते हैं हम लोग, हिस्टोन के ऊपर क्या कर सकते हैं, हिस्टोन के ऊपर होता है मिथाइलेशन, या हम लोग करा सकते हैं एसिटाइलेशन, या हम लोग करा सकते हैं फॉस्फोराइलेशन, राइट, या हम लोग करा सकते हैं यूबीक्विटिनेशन। यूबीक्विटिनेशन स्पेलिंग देख लीजिएगा एक बारी, या हम करा सकते हैं सुमोइलेशन। डीएनए के ऊपर मिथाइलेशन और हिस्टोन के ऊपर मिथाइलेशन, एसिटाइलेशन, फॉस्फोराइलेशन, यूबीक्विटिनेशन, सुमोइलेशन, ये मॉडिफिकेशंस एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशंस होते हैं, और ये अलग अलग मॉडिफिकेशन के अलग अलग रोल होते हैं। इन मॉडिफिकेशंस की हेल्प से या तो जीन एक्टिवेट होंगे, या कहें तो ऑन होंगे, या जीन्स ऑफ हो जाएंगे, यानी कि ये मॉडिफिकेशंस होंगे जो कंट्रोल करेंगे कि किस जीन को एक्टिवेट होना चाहिए, किस जीन को इनएक्टिवेट होना चाहिए। यानी कि ये एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन या तो किसी जीन को ऑफ करेंगे या किसी जीन को ऑन करेंगे। अब कौन सा मॉडिफिकेशन क्या करता है वो मैं बात करूँगा नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छी लग रही हो पहला पार्ट और दूसरा पार्ट तो शेयर कर देना अपने जानकारों के पास में। इसमें ऐसा नहीं है कि कुछ लाइफ साइंस से जुड़े लोग ही देखें या सीएसआईआर की तैयारी करने वाले ही देखें, या क्योंकि मैं सीएसआईआर के लेवल से पढ़ा भी नहीं रहा हूँ, मैं एक बेसिक कॉन्सेप्ट पर बात कर रहा हूँ, कोई भी देख सकता है, कोई भी देखें, शेयर करें, और अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दें, कुछ सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में डाल दें, और चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन भी दबा दें जिससे कि आपको जब भी मैं वीडियो को डालूं तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आए, ठीक है। तो बाकी आपकी मर्जी है, आपको अच्छा लगता है तो आप मुझे बताइए, किसी और टॉपिक पर अगर आपको बात करनी है, डिस्कशन करना है तो हम उस पर भी कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड लक।